अरे तुम नाराज क्यों हो जाती हो बार बार, सुनो तो। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी भारत प्रसाद के निर्देशन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत दिल्ली से आए कलाकारों ने जनपद में जगह जगह नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए और महिला एवं बाल संबंधी विभिन्न मुद्दों के प्रति लोगों को जागरूक किया। दिल्ली की संस्था श्री उमापति थिएटर फिल्म एंड कल्चर सोसाइटी के टीम लीडर उमेश दीक्षित, राजू भट्ट, विजय पवार, आशीष महेश्वरी, निशा उपाध्याय, मोनिका गौर आदि कलाकारों ने मंगलवार को कायमगंज, कम्पिल, शमशाबाद, फैजाबाद, हथियापुर आदि जगहों पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर बालिकाओं के भ्रूण हत्या रोकने, सही पालन पोषण एवं उनकी शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जगह जगह पर नुक्कड़ नाटक कराया जा रहा है। हमारा जो थिएटर ग्रुप है वह श्री उमापति थिएटर ग्रुप जो दिल्ली में काफ़ी बड़े स्केल पर प्ले करता आ रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारा जो विषय है, इस विषय पर हम पूरे ज़िले में जगह जगह पर नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जागरूक हो चुके हैं, आज की जनता बहुत समझदार है, ऐसा नहीं करती, लेकिन कुछ लोग पुरानी प्रथा के ऊपर चलते रहे तो हम चाहते हैं कि वो भी थोड़ा सा अपनी सोच बदलें, क्योंकि आज की डेट में महिला और पुरुष मतलब यंग जनरेशन कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। हम सबका यही प्रयास है कि हमारे भारत की महिला, नारी प्रधान देश की जो महिला है उसका हम सम्मान करें, आदर करें। नमस्कार छोटे लाल, नमस्कार भाई, कैसे आना हुआ? अरे क्या हुआ, क्या टेंशन क्या है? अरे वो आजकल जरा तबीयत ठीक नहीं रहती बाबूजी। अरे तबीयत को क्या हो गया भाई, ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? अरे मैं तुझे क्या बताऊं, वो हमारा लड़का था ना सोनू, उसकी शादी हो गई। वो तो मुझे पता है, मैं तो आया था शादी में। हमने सोचा था इतने गर्भपात के बाद कि एक लड़का होगा, हमें बड़ा अभिमान था जब हम जवान थे कि भाई एक लड़का है, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हाँ तू तो कह रहा था बड़ी बड़ी बातें, वंश वगैरह और भी कुछ, क्या हुआ भाई तेरा वंश बढ़ा कि नहीं? लेकिन नहीं, कुछ नहीं, वो लड़का भी हमें छोड़कर चला गया। और तो और उसको दारू शराब की इतनी गंदी लत लगी है कि उसकी बीवी बच्चे भी उसे छोड़कर चले गए। अच्छा, अब बड़ा महसूस हो रहा है कि आखिर मैंने इतना भेदभाव क्यों किया लड़का और लड़की का। इसीलिए तो मैं तुझसे कहता था कि बेटा और बेटी में कभी फर्क नहीं समझना चाहिए। आज मेरी बेटा, तुझे पता अपनी गुड़िया, अरे अपनी गुड़िया डॉक्टर हो गई है और ये पास में उसने क्लिनिक खोल लिया है। अब तू चिंता मत कर, तेरा और भाभी जी का इलाज वो करेगी और वो भी एकदम मुफ्त, समझा? अरे मुझे बस यही उम्मीद थी दोस्त। अलग अलग मुद्दों पर हम लोग काम करते हैं। इस बार हम जो लेकर आए हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर हमारा अभियान छिड़ा हुआ है और कोशिश है हम लोगों की कि पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी कुरीतियाँ हैं हमारी उन चीज़ों पे हम लोग डेवलप कर शोज़ करते हैं, लोगों के घर घर जाकर उनको बताने की कोशिश करते हैं। तो इस बार बस यही टॉपिक है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कोशिश बस यही कर रहे हैं। इस बार हम फर्रुखाबाद आए हुए हैं, फर्रुखाबाद की जनता से बस यही अपील है कि बेटी और बेटे में फ़र्क ना करें। काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है फर्रुखाबाद की जनता का, वो काफ़ी सपोर्टेबल है, काफ़ी लोग समझ भी रहे हैं, काफ़ी लोग फिर भी अभी भी मैंने जो देखा, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, तो मैंने देखा कि वो कहते हैं कि नहीं यार बेटी को पढ़ा कर क्या करेंगे हम लोग, बेटा है ना हमारा घर का चिराग है, रोशन करेगा। पर हम लोग अपने शो के माध्यम से समझाते उनको तो उन्होंने खुद ही बोला कि भाई साहब बात तो आप भी ठीक कर रहे हैं, बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो मैं बस ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस यही है कि बेटा बेटी को बिल्कुल ही फ़र्क ना करें आप, और बेटी को भी पढ़ाएं, पहले बचाएं उसके बाद बेटी को पढ़ाएं। हमारा भी यही नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जय हिंद जय भारत। मेरा नाम विजय पवार है और मैं भी दिल्ली से हूँ, हम साथ ही में हमारा ग्रुप थिएटर में काम करता गए कुछ सालों से, मतलब कि लगभग हम अवेयरनेस के ऊपर जन जागृति के ऊपर में काम कर रहे हैं और ऐसे ही काम हमें आगे करते रहना है। अलग अलग विषयों पर हम हमेशा कुछ ना कुछ प्रस्तुति लेकर आते हैं। इस बार हम फर्रुखाबाद आए हैं एक नई प्रस्तुति लेकर
जो कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान है। और ये अभियान जो है ये जनमानस तक पहुंचना चाहिए, हर घरों में पहुंचना चाहिए, हर गांव में पहुंचना चाहिए, यही हमारी धारणा है और इसी को हम बढ़ाए जा रहे हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? फरुखाबाद का हमें एक्सपीरियंस तो ये है कि यहाँ की जो यंत्रणा है वो हमें जिस प्रकार से सहाय कर रही है और यहाँ की पब्लिक, यहाँ के सामान्य लोग भी जिस तरीके से विषय को समझ रहे हैं, ये हमें आसानी हो रही है कि अपनी सोच को हमें वहाँ उन तक पहुँचाने में काफ़ी अच्छी एक यहाँ पे पब्लिक है, सपोर्ट कर रहे हैं और यंत्रणा, इनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसी तरीके से अगर हम काम करते रहेंगे तो हमारा देश एक दिन नारी प्रधान देश करके, और हमें गर्व होगा हमारे देश की नारियों पर। आज भी हमारे देश में कई नारियां हैं जिन्होंने अपना नाम को, अपने देश के नाम को रोशन किया। ऐसी आगे भी हर घर में एक बहू बेटी जो पैदा हो वो कुछ ना कुछ हमेशा नया करे, बड़ा करे, यही हमारी धारणा है। बस एक बात समझ गया हूँ, लड़का और लड़की में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। जबकि लड़का सिर्फ एक घर को पालता है जबकि लड़की दो दो घरों को पालती है। अब मैंने एक ही सीख ले ली है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। कहते हैं सुन लिया है जो तुमने वो तुम्हें निभाना, सुन लिया है जो तुमने वो तुम्हें निभाना, सुन लिया है जो तुमने वो तुम्हें निभाना है। हमने तुमने मिल करके अलग ये जगाना है, हमने तुमने मिल करके अलग ये जगाना है। बेटी को बचाना है, बेटी पढ़ाना है, बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है, बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ग्राम सभा टीवी के लिए फर्रुखाबाद से मोहम्मद आकिब खान की रिपोर्ट।